अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़ना है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड विथड्रॉल रिफ्लेक्स। उसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला भी आपको पढ़ा दूँ, क्रॉस एक्सटेंसर एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड इनोवेशन। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी होगी आप लोगों ने FSC में, सभी पढ़ के आते हैं कि जब कोई पेनफुल स्टिमुलस जो है ना मिला हमें, जैसे कॉमन सी एग्जांपल होती है कि हमने स्टोव रखा हुआ है तो गर्म स्टोव है, हम उसको ना हाथ लगाते हैं तो उस वजह से जैसे ही हम हाथ लगाते हैं हम फौरन ही पीछे खींच लेते हैं, तो वो जो है ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होता है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स कब इनिशिएट होता है, जब कोई पेनफुल स्टिमुलस हमें मिलता है तो उस वजह से हमारे फ्लेक्सर मसल्स एक्टिवेट होते हैं और हम जो है ना हमारे उस बॉडी पार्ट को उस पेनफुल स्टिमुलस से दूर ले जाते हैं, ये होता है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। अब विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होता है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स और विड्रॉल रिफ्लेक्स दोनों सेम है, डिफरेंस इन दोनों में ये है कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स सब इनिशिएट होता है जब लिम्स वगैरह को जो है ना पेनफुल स्टिमुलस मिले, तो लिम्स वगैरह को हमने अगर खींचना हो, हमने उस स्टिमुलस से दूर लेकर जाना हो, तब जो है ना हमारा फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, अदरवाइज जो है ना विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। लिम्स के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट अगर वहाँ पे कोई पेनफुल स्टिमुलस मिलता है, हम उसको दूर लेके जाते हैं, तो वो जो है ना विड्रॉल रिफ्लेक्स है हमारा। अब इसके बाद न्यूरोनल मैकेनिज्म है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स का, वो ये है कि इसमें जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो हमने सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ा था, मोनोसाइनेप्टिक पाथवे था, इसके अलावा कभी जो है वो टाइप 2 फाइबर्स जो है ना स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो जो है ना उस पर इंटर न्यूरॉन्स पे साइनेप्स कर लेते हैं, लेकिन वो एक आध पे करते हैं, बहुत ज़्यादा पे नहीं करते। जो ये होता है ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, इसमें जो कि हम लिम्ब को पीछे लेके जाना है, तो इस वजह से जो है ना जो आता है ना ये सेंसरी सिग्नल आता है वो बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करता है, एक जैसे एक इंटर न्यूरॉन्स का पूल होता है उनके साथ साइनेप्स करते हैं और फिर जाके जो है ना मसल्स हमारे जाके मसल्स को सप्लाई जाती है और हम जो है ना एक मसल को इनहिबिट करते हैं और एक मसल को एक्साइट करते हैं, उस वजह से हम जो है ना फिर बॉडी पार्ट को हम दूर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये हो गया, इसका न्यूरोनल सर्किटरी के यहाँ से सेंसरी सिग्नल आया पेनफुल स्टिमुलस की वजह से, उसने न्यूरोनल पूल के साथ बहुत ज़्यादा साइनेप्स किया, वहाँ से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के पास सिग्नल गए और वहाँ से गया हमारे जी मसल्स के पास। अब जो है इसमें बहुत सारे सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, डाइवर्जिंग सर्किट्स होते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट्स होते हैं और आफ्टर डिस्चार्ज सर्किट्स होते हैं। आप लोगों ने ना सेंसरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि डाइवर्जिंग सर्किट जो है ना डाइवर्ज करते हैं, मतलब एक जैसे सिग्नल आ रहा है ना फिर वहाँ से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ऐसे डाइवर्ज करते जाते हैं सिग्नल को। और ये जो है ना डाइवर्जिंग सर्किट्स किस वजह किस चीज़ के लिए होते हैं, ये जो है ना विदड्रॉल के लिए होते हैं, टू रेसिस्टिव मसल्स फॉर विदड्रॉल। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट्स होते हैं वो ये करते हैं कि हम अब जैसे हम एक फ्लेक्सर को एक्साइट कर रहे हैं, जैसे हमने फ्लेक्स करना है अपना लिम्ब या कोई बॉडी पार्ट, तो हमने जो दूसरा वाला एक्सटेंसर होंगे हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इनहिबिट कर देंगे ना, तो बस यही है कि जो है ना इनहिबिशन सर्किट्स होते हैं जो कि एक मसल को एगोनिस्ट को एक्साइट कर देते हैं और एंटागोनिस्ट को इनहिबिट कर देते हैं। इसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज मैं बता देती हूँ क्या होता है। अच्छा जी, आफ्टर डिस्चार्ज इसके बाद एक फटीग है करेक्टरिस्टिक के जो है ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, जैसे ये होता है कि हमने ना एक बार फ्लेक्स कर लिया ना तो वो ऐसे ऐसे थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं होता कि हम बार बार फ्लेक्स करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता, हम एक बार फ्लेक्स कर लिया फिर हम ना फ्लेक्स उसको रखते हैं, वो ना थोड़ी देर में वो जो है ना रिफ्लेक्स होता है वो फटीग करना शुरू कर देता है, इस वजह से जो है ना हम दोबारा फ्लेक्शन नहीं करते। और इसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज का ये लिखा हुआ है कि जो है ना जब हमने एक आफ्टर डिस्चार्ज, ये होता है कि जब हमने ना एक लिम्ब, जैसे सपोज वही वाली बात कि हमने स्टोव को छुआ तो वो गर्म था, फिर हमने बॉडी पार्ट जो हमारा ये था हैंड था या जो भी था बाजू हमने पीछे खींचा, तो पीछे खींचे, अब ऐसा नहीं होता कि हम दोबारा उस तरफ मूव कर जाएँ, नहीं, हम उसको फिर उस पेनफुल स्टिमुलस से दूर रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए, फिर हम दोबारा नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग घंटी बज जाती है कि नहीं भाई ये तो गर्म है इसके पास तो जाना ही नहीं है, कोई भला है। ठीक है, तो यही होता है आफ्टर डिस्चार्ज के, डिस्चार्ज के बाद की जो चीज़ें होती हैं कि हमने एक बार पेनफुल स्टिमुलस हो गया, हमने बाजू खींच लिया, फिर हम उसको जो खींच के अपने पास रखते हैं उसको हम कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। और ये आफ्टर डिस्चार्ज जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है,
में लास्ट फॉर अ सेकेंड और मोर, सेकेंड एक सेकेंड तक या उससे भी ज़्यादा तक रह सकता है। और ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस पे, जितना ज़्यादा शार्प होगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी पेनफुल स्टिमुलस की ज़्यादा होगी, उतना ही हम जो है ना ज़्यादा देर तक पीछे रखें पीछे रहेंगे। आप लोगों ने नोट किया होगा खुद भी कि अगर थोड़ा सा गर्म हो, जैसे कोई कोई भी बर्तन है, अगर थोड़ा सा गर्म हो तो आप उसको छूते हैं तो फिर आप थोड़ी देर के लिए मतलब आप जो है ना पीछे रखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आपको उसके मतलब दो तीन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मतलब सेकंड्स के बाद आपको फील होता रहता है कि कुछ ना कुछ गर्म मैंने फ़ील किया है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है ना ख़त्म हो जाता है, वो इसी आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से होता है। इसके बाद जो है ना इमीडिएट आफ्टर डिस्चार्ज और प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर डिस्चार्ज बताया हुआ। इमीडिएट आफ्टर डिस्चार्ज वही बात मैंने अभी बताया कि अगर जो है इंटेंसिटी सेंसरी स्टिमुलस की कम होगी तो इमीडिएट होगा, फौरन जो है ना हम पीछे खींचेंगे और थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद। लेकिन जो प्रोलॉन्ग्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग पेनफुल स्टिमुलस के बाद होता है और ये जो है ना सेकेंड्स तक रहता है, सेवरल सेकेंड्स तक। और इसमें ना बहुत ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें जो है ना आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज में ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा सैनैप्स करते हैं और आपस में वो जो है ना उनके बहुत ज़्यादा सैनैप्स करने की वजह से वो फिर इंटर एंटी रिमोटर न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं, इस वजह से जो है ना हमारा आफ्टर डिस्चार्ज होता है। अब इसके बाद जो है ना बस यहाँ पर कुछ नहीं खास नहीं बताया हुआ, बस यही बात बताई हुई कि आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से हम इतने सेकंड तक हम उस पेनफुल स्टिमुलस से अपने हाथ को या जो भी बॉडी पार्ट होते हैं दूर रखते हैं। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये होता है कि जैसे अब मैंने किसी वही बात कि मैंने स्टोव को छुआ तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेरे फ्लेक्स मसल्स एक्टिवेट हों बल्कि मेरे जो एबडक्टर मसल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी इसके आर्म के, इस वजह से होते हैं ताकि मैं एक तो बाजू को यूँ करूँ और दूसरा मैं एक तो फ्लेक्स करूँ, दूसरा मैं दूर भी ले जाऊँ, एबडक्ट भी कर जाऊँ। तो ये एक तरह का पैटर्न होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इफ़ेक्टिवली उस पेनफुल स्टिमुलस से हम अपने बॉडी पार्ट को दूर ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना स्पेसिफिकली हमारे जो है ना लिम्स में एप्लीकेबल है क्योंकि लिम्स में फ्लेक्स रिफ्लेक्स होता है, बाकी सब में हमने पढ़ा ना कि विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। अब इसके बाद है क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। होता ये है कि जब एक फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इनिशिएट हुआ उसके 0.2 to 0.5 सेकंड्स के बाद, एक लिम में हुआ फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इनिशिएट उसके 0.2 to 0.5 सेकंड्स के बाद दूसरे लिम में जो है ना क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है। वो ये कि जैसे हम कोई गर्म हम धूप में हम चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूप है, हमने जूते भी नहीं पहने हुए, तो क्या होगा कि हम वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम जैसे पाँव पे ऐसे वो करना, जैसे एक डांसिंग टाइप हम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, एक पाँव ऊपर करते हैं फिर दूसरा नीचे कर देते हैं फिर दूसरा ऊपर करते हैं तीसरा पहले वाला जो है हम नीचे कर देते हैं। तो यही होता है कि एक को हम फ्लैक्स करते हैं दूसरे को एक्सटेंड, एक को फ्लैक्स दूसरे को एक्सटेंड, तो यही होता है ये क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स कि एक लिम्ब जो है ना फ्लैक्स करते हैं उसके 0.2 to 0.5 सेकंड्स के बाद जो है दूसरा लिम्ब एक्सटेंड करना स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम वो जो लिम्ब है हम उसको पेनफुल स्टिमुलस से दूर रख लेते हैं। न्यूरोनल मैकेनिज्म यही है, इसका सेम है कि इसमें भी बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स की निस्बत इसमें डिफरेंस फ्लेक्सर रिफ्लेक्स और इसमें ये है कि इंटर न्यूरॉन्स फ्लेक्सर रिफ्लेक्स की निस्बत जो क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी सिनेप्सिंग हो रही होती है और फिर बहुत ज़्यादा ये जब न्यूरॉन्स होंगे तो एंटीरियर को भी ज़्यादा जो है ना स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को, फिर वो जाके मसल्स को जो है ना इनहिबिट कर देगा और कुछ को एक्साइट कर देगा। और इसकी भी ये बात याद रखनी है कि चूँकि बहुत सारे इसमें फ्लेक्स रिफ्लेक्स की निस्बत भी उससे भी ज़्यादा जो है ना इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इसका जो आफ्टर डिस्चार्ज है ना वो फ्लेक्स रिफ्लेक्स की निस्बत भी बहुत ज़्यादा होता है। वो यही बात बताई हुई कि रिवर्बरेटिंग सर्किट्स की वजह से होता है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन है और रेसिप्रोकल इनोवेशन है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन यही थी कि जब जो है ना हम एक मसल को जब यहाँ से स्टिमुलस सॉरी यहाँ से मोटर सिग्नल्स आए ना तो एक मसल को हम एक्साइट करते हैं तो दूसरे को इनहिबिट कर देते हैं, यही होती है रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट इनहिबिशन है। एक को एक्टिवेट कराया हमने सपोज एगोनिस्ट को एक्टिवेट कराया तो एंटागोनिस्ट को इनहिबिट कर देंगे, रेसिप्रोकल इनहिबिशन है। और इसमें जो इनोवेशन इन्वॉल्व होती है ना उसको हम रेसिप्रोकल इनोवेशन कहते हैं। ठीक हो गया, आगे बस एक टॉपिक रह गया, ये बस कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह।